हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग। तो टाइम हो गया है 10 बजने में, है 5 मिनट की देरी। तो ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस के बाद हम लोग निकलेंगे कैंप में। हो सकता है कैंप भी जा सकते हैं, कैंप नहीं भी जा सकते हैं। तो अभी आज थोड़ा लेट हो गया है, हमेशा तो 9:30 बजे पहुँच जाते थे बट आज थोड़ा लेट हो गया है। तो नाश्ता वास्ता कर लिया तुम्हारे भाई ने, अब निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो दिख तो अभी आकाश भाई और अरुण भाई हमको लेने आ गए हैं मेरे घर पे। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग ऑफिस, उसके बाद निकलेंगे कैंप के लिए। भीगो। भाई आज थोड़ा ज़्यादा मूड के बस्ती में, तो अभी इनका भी लिया जाएगा हम लोग अच्छे से। आकाश भाई आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो ये कह रहे हैं। तो ऑफिस पे डिसाइड हो गया है कि हम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग को आज जाना है परसा पाड़े गांव में, जो कि लक्ष्मीपुर के पास में पड़ता है, नौतनवा वाले रोड पे। तो अभी निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि परसा पाड़े कहाँ पड़ता है। तो मिलते हैं आगे। पंचायत भवन पर लगाने की, तो लेकिन पंचायत भवन बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो लोग वहाँ पे आ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को कैंप इसी जगह लगाना पड़ेगा, इस बगीचे में। तो अभी कैंप लगेगा और पीछे का गाँव वाला से ऐसा ही होता है गांव यहाँ का, जो कि पड़ता है ये आपका लक्ष्मीपुर ब्लॉक में। और मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है यहाँ पे, बारिश वाला मौसम लग रहा है, बहुत ख़तरनाक वाला बारिश, और होनी ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो इसलिए अनाज वनाज और किसानों को थोड़ा दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। बारिश हो जाएगा तो मौसम भी ठंडा हो जाएगा और किसानों का दिक्कत भी पूरा हो जाएगा। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो हम और अगर भाई ने चाय पी लिया, अब यहाँ से चलेंगे कैंप पे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर बादल ही बादल।
बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाए। मुझे भी आपको आगे का सीन दिखा। फिर से कैंप पे आ गए हैं अपने, जहाँ पे कैंप लगा था पीछे। तो यहाँ के गांव वालों को समझाया तो गया है हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा भी सीन होता है कि यहाँ पहले से कुछ फ्रॉड वॉड हो चुका था, इस वजह से यहाँ के लोग थोड़ा भरोसा करते कम है लोगों पे। लेकिन हमारा जो काम था हमने कर दिया, समझा दिया, लेकिन फिर भी कार्ड तो बन ही रहा है। अब से दो तीन तो बन ही गया होगा, दो तीन कार्ड बन गया है। और कुछ लोगों को गांव में भी इन्फॉर्म करने गए थे हम और आकाश भाई, तो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे कार्ड बनवा रहे हैं। गांव में आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है, लोग लैपटॉप लेके आ रहे हैं केवाईसी करने के बहाने और विधवा पेंशन बनाने के बहाने, लोगों से बैंक अकाउंट का डिटेल लेके OTP लेके सारा पैसा अपने में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी आपसे अगर आपके बैंक डिटेल के बारे में जानकारी लेता है तो उसको बिल्कुल भी ना बताएं, बिना उसके ID प्रूफ के या किसी भी चीज़ को बिना देखे उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये सब गांव क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है आजकल, क्योंकि गांव के लोग उतना ज़्यादा हाईटेक नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोग जिनके पास नॉलेज है वो तो बच जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है लेकिन वो थोड़ा दिक्कत में चले जा रहे हैं, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अभी हमारा हो गया है लंच टाइम, हम लोग का लंच टाइम हो गया, हम लोग अब खाने जा रहे हैं अपना खाना। बहुत ज़्यादा खाना आ गया, अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हाफ फ्राई, आलू की सब्जी, पूड़ी और अभी अरुण भाई का भी लंच बॉक्स खुल रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये मसाले वाली सब्जी, इसमें है पराठा, इसमें भी पराठा, उसमें होगा, उसमें अचार होगा, रख दो बाबू नीचे, इसमें है हटावे, इसमें अचार और प्याज। ये किसी सब्जी है, करेली की सब्जी, अरुण भाई लाया है, जिनका जुबान बहुत खड़वा है। ये वाला जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर नागरिक को उठाना चाहिए, जो यहाँ खेत के बीच में बैठ के खाने का मज़ा है अलग ही होता है, सिर्फ ये लोग, सिर्फ गांव के लोग जान सकते हैं, ऐसे ही हम लोग भी आती हैं। तो खाना वाना हो गया है, खाना खा के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, आनंद ही आनंद। अरुण भाई को खाना कम पड़ गया है, हमेशा कम पड़ जाता है। देर बाद निकलेंगे यहाँ से ऑफिस के लिए, काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है यहाँ का, बारिश कभी भी हो सकती है, तो हम लोग को जल्द जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गई है आंधी बहुत तेज वाली, अभी हम लोग बैठे हुए थे, हवा बहुत तगड़ा चल रहा है, कागज वागज सब यहाँ से। अब हम लोग निकलेंगे ऑफिस, हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, बारिश होने वाली है, इसलिए अब हम लोग निकलेंगे ऑफिस के लिए, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश हो गई तो हमारा सारा कपड़ा और फाइल्स भी भीग जाएंगे, इसलिए निकलते हैं वापस। तो ऑफिस से आ गया हूँ अभी घर, बज रहे हैं 4:30, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि आज उतना ज़्यादा काम था नहीं, तो और लोग अभी कैंप में ही हैं, जो लोग दूसरी जगह गए थे, हम लोग दूसरी जगह गए हुए थे, तो हमारा काम जल्दी हो गया इसलिए हम लोग जल्दी घर आ गए। मैं, अरुण भाई, आकाश भाई सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। तो अब थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा आराम करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।